125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके। पूज्य बापू को स्मरण करते हुए मेरे साथ ये शपथ समारोह में आप शरीक होंगे, और ये शपथ सिर्फ बोलना नहीं है, शपथ लेना है। खुले में शौच से मुक्ति को स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य बनाया गया है। इसके लिए सभी राज्यों को उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार नीति निर्धारण करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके साथ ही मनरेगा से दिए जाने वाले आंशिक अंशदान, जिससे शौचालय निर्माण में कठिनाई आ रही थी, उसको समाप्त कर शौचालय निर्माण के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत पावन गंगा की शुद्धता बनाए रखने के लिए गंगा नदी के किनारे 5 राज्यों में स्थित 1657 ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ऐसी सभी नई तकनीकों को भी बढ़ावा दिया गया है जिन्हें जन समुदाय सहजता से स्वीकार कर सके, जो पूरी तरह सुरक्षित, टिकाऊ और स्थायी हों। नई तकनीकों की कार्य प्रणाली और कार्य क्षमताओं की परख के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने अगस्त 2014 और जनवरी 2015 में 2 प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया, जिसमें देश भर से अलग अलग कंपनियों द्वारा पेयजल, स्वच्छता एवं सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की विभिन्न नई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। फोम्स, सॉलिड फोम्स, polyethylene foams and cups, tea cups, and all these plastics can be used for road laying. We get a better road. इन नई-नई तकनीकों के परीक्षण के लिए R.A. माशेलकर समिति का गठन किया गया, जिसने अपने सभी तरह के परीक्षणों के बाद 29 नई तकनीकों का चयन किया, जिनका इस्तेमाल आम हित में बड़े स्तर पर किया जा सकेगा। संपूर्ण स्वच्छता की दिशा में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के महत्व को देखते हुए मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें संपूर्ण देश के साथ साथ पड़ोसी देशों में अपनाई जा रही विभिन्न तकनीकों और तरीकों को साझा किया गया। मंत्रालय ने ये महसूस किया है कि खुले में शौच की प्रथा से मुक्ति मात्र शौचालय निर्माण से नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति पानी है तो समुदाय की मनःस्थिति को बदलना होगा। इसके लिए मंत्रालय ने समुदाय आधारित पद्धतियों के माध्यम से सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर विशेष जोर दिया, जिसमें समुदाय को ट्रिगरिंग के माध्यम से खुले में शौच के दुष्परिणामों से आत्मसात कराया जा रहा है। जन समुदाय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा 16 से 22 मार्च 2015 तक देश भर में राष्ट्रीय स्वच्छता जागरूकता समारोहों का आयोजन किया गया। इसके अलावा विभिन्न सूचनाओं, शिक्षा और संचार माध्यमों का भी मंत्रालय इस्तेमाल कर रहा है। जहां सोच वहां शौचालय। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में स्वच्छ परिवेश और स्वच्छ पेयजल के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। यही नहीं, जिला स्तर पर उस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से संचालित कर रहे जिला अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें अब तक कुल 130 जिला अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश के हरदा, ओडिशा के ओंगुल, गजपति, छत्तीसगढ़ के रायगढ़, धमतरी जिलों में कई गाँव जिला अधिकारियों के सक्रिय सहयोग से खुले में शौच की प्रथा से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं। मंत्रालय की वेबसाइट में प्रत्येक लाभार्थी का नाम, पता और फोटो उपलब्ध होने के साथ ही फेसबुक पेज व व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय को ई ऑफिस में तब्दील करने से कार्यों में तीव्रता के साथ साथ उसे कागज मुक्त कार्यालय भी बना दिया गया है। पेयजल के क्षेत्र में भी मंत्रालय द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 40 लीटर पेयजल की आपूर्ति का लक्ष्य पाइपलाइन वाटर सप्लाई के द्वारा
एकल और बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं का संचालन समुदाय के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में मंत्रालय ने देश के 10 राज्यों के 88 जिलों में सौर ऊर्जा से संचालित पंप्स की स्थापना की है, जिससे जन समुदाय विशेषकर महिलाओं को जल प्राप्ति में लगने वाले अनावश्यक श्रम व समय को बचाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ही 5 कार्यकर्ताओं को पानी की गुणवत्ता के परीक्षण में इस्तेमाल होने वाली फील्ड टेस्ट किट का प्रयोग करने में प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वो अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में पेयजल गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित कर सकें। यही नहीं, मंत्रालय द्वारा हाल ही में जम्मू व कश्मीर घाटी में आई भीषण बाढ़ के दौरान मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना भी की गई, जिससे वहां के नागरिकों को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सका। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा पेयजल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं में NABL प्रमाणिकता दिलवाने के लिए भी पहलकदमी की गई और विभिन्न राज्यों में पेयजल हेल्पलाइन नंबरों की स्थापना की गई, जिससे पेयजल संबंधी समस्याओं को तुरंत दर्ज कराया जा सके। इस तरह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत को एक ऐसा देश बनाने की दिशा में अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहा है, जहां शुद्ध पेयजल हर आदमी पाता हो, जहां कोई खुले में शौच को ना जाता हो।